हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेस के किसी भी डिवाइस या इक्विपमेंट का पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो है 7.5 किलोवाट की मोटर, 7.5 किलोवाट की मोटर है और उसकी जो वोल्टेज है दोस्तों वो है 415 वोल्टेज। और उसका जो फुल लोड करंट है दोस्तों वो है 13 एम्पीयर। अब दोस्तों हमने इसका पावर फैक्टर निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले पावर फैक्टर निकालने के लिए हमें 7.5 किलोवाट को 10 वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इसका जो फार्मूला है वो है किलोवाट फार्मूला, हमारी जो मोटर है दोस्तों वो है 7.5 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमारे जो मोटर का टोटल वाट हुआ वो है 7500 वाट। दोस्तों हमारा जो वाट है वो तो निकल कर आ गया 7500 वाट। अब हमने इसका पावर फैक्टर निकालना दोस्तों कि पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है दोस्तों वाट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है दोस्तों 1.732। तो अंडर रूट 3 इनटू वोल्टेज इनटू एम्पीयर, ये हमारे को पावर फैक्टर का फार्मूला लगाना पड़ेगा तभी हमारा पावर फैक्टर निकलेगा। तो हमारी जो वाट है दोस्तों वो है, हमारी जो वाटेज है वो है 7500 वाट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो पहले दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये अंडर रूट 3 की जो वैल्यू है वो है 1.732 इनटू वोल्टेज, वोल्टेज जो है हमारी दोस्तों वो है 415 वोल्टेज और हमारा जो उसके बाद एम्पियर है दोस्तों वो है 13 एम्पियर इनटू 13। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9344। 9344 इसका आंसर दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये 7500 वाट है 7500 वाट को हम क्या करेंगे 9344 इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा पावर फैक्टर आएगा दोस्तों वो है इक्वल टू 0.80। तो हमारा जो टोटल पावर फैक्टर है दोस्तों वो आया टोटल हमारा पावर फैक्टर है दोस्तों वो आया 0.8। तो दोस्तों इस प्रकार थ्री फेस के किसी भी डिवाइस का आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू।